हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त विशाखा उजलायन और विशाखा उजलायन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा और आई होप आपको मेरी सभी रेसिपी की तरह ये वाला रेसिपी भी अच्छा लगे, पिज़्ज़ा रेसिपी। प्लीज़ अगर आपको मेरा पिज़्ज़ा रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ देखने के बाद चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोगों को पिज़्ज़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और 1 बड़ा कप मैंने लिया है मोज़रेला चीज़, 1 बड़ी बॉल मैंने लिया है वेजिटेबल्स, मैंने मेरी पसंद की वेजिटेबल्स ली हैं, उसमें अनियन है, ग्रीन, रेड, येलो, कैप्सिकम है, कॉर्न है, आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है ऑलिव्स, 6-7 ऑलिव्स को मैंने चॉप कर लिया है। और चिली फ्लेक्स हम लोगों को चाहिएगा और ऑर्गेनो हम लोगों को चाहिएगा और पिज़्ज़ा सॉस हम लोगों को चाहिएगा। और 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे बटर, यीस्ट मैंने लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच ही मैंने लिया है यहाँ पे चीनी और 2-3 पिंच मैंने यहाँ पे लिया है नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। मैंने 1 बड़े बाउल में लिया है वार्म वाटर और मैंने जितना प्रोपोर्शन लिया है उसके हिसाब से मैंने ये छोटा कप, मैंने 1.5 कप लिया है, आपके पास जितना आपको मैदा लेना है आप उसके हिसाब से आप पानी लीजिएगा। पहले हम लोग अपने ईस्ट को तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच ईस्ट मैंने डाला, फिर मैंने 1 चम्मच ही मैंने डाला इसमें चीनी और इसको मैंने कर दिया है अच्छे से मिक्स और 5 मिनट के लिए मैंने ये ऐसे ही रखना है। अभी ये हो गया है रेडी और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच देसी घी और ये सारा मैदा। देसी घी से इसमें आ जाती है सॉफ्टनेस और ये सारा मैंने मैदा डाला है और इसको बहुत टाइट नहीं हमें लगाना है, बहुत हल्का हल्का हमें लगाना है, एकदम ढीला ढीला। और ये डाला मैंने इसमें सॉल्ट और अब मैं इसको इसका एक सॉफ्ट डो बनाऊंगी। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इतना पतला हम लोगों को रखना है और सिर्फ यही एक इसमें मेहनत का काम है। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म को साफ करके मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है और मैं ये सारा डो निकालूंगी यहाँ पे और उसको मेरे को अच्छे से फेंटना है। ये मैंने पलट दिया सारा यहाँ पे। आई नो ये बहुत पतला है बट इसमें बीच बीच में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा डालना होगा और इसको फेंटना होगा अच्छे से, ऐसे ऐसे फेंटना है तब तक कि ये इस पे से छूट ना जाए अच्छे से। तो 15 मिनट तो कम से कम इसमें आपको मेहनत करना है। ओके, और अभी आपको पतला लग रहा है तो इसमें बीच बीच में आप थोड़ा सा ऐसे आटा डालो, मैदा डालो और इसको फिर मत दीजिए। अभी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइट हुआ है तब से, बट लेकिन अभी इसमें और मेहनत करना है इसलिए मेहनत करते जाओ तब तक ये इस पे से हट ना जाए, ऐसे नहीं रहेगा फिर ये एक डो, अच्छा डो बन जाएगा, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना ऐसा हो जाएगा। अभी मेहनत करते जाओ। नाउ यू कैन सी माई डो, ये एकदम रेडी है। अगर आपका डो अभी भी थोड़ा सा पतला है तो आप उसमें थोड़ा सा ऐसे और मैदा डाल के आप उसको एक बार फिर से मथ सकते हैं। मेरा डो एकदम रेडी है और इस पे मैं थोड़ा सा डालूंगी घी, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं और इसको ऐसे रोल बना के मैं करूंगी कवर, ढक के मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूंगी। अभी मैं इसको करूंगी अच्छे से कवर ताकि मेरा डो एकदम पिज़्ज़ा के एकदम तैयार हो जाए और इसमें हवा नहीं जानी चाहिए।
आप इस पे कपड़ा भी ढक सकते हैं, सो मैं इसको एक घंटे के लिए साइड में रख देती हूँ। सो अभी हम एक घंटे बाद इसका हालचाल देखते हैं कि इसका हालचाल कैसा है। वाओ, ये बहुत अच्छा फूल है। अभी देखो जो हमारा आटा होता है, मैं इसको दबा रही हूँ और ये ऊपर आ जा रहा है। देखिए ये बहुत फ्लफी हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा आटा अच्छे से बन गया है। अभी देखिए मैंने कितना टाइट डाला है उसमें फिंगर्स और वो ऊपर आ रहा है। सो अभी मैं इसको करूँगी 3 हिस्सों में डिवाइड, इक्वल इक्वल, जिससे ये हो जाए। तो मैंने इसको रख दिया है कवर करके और आधे घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया है। अभी फिर ये पता है क्या है आपको, ये वो है जो जब हम लोग बाहर से पिज्ज़ा मंगाते हैं डोमिनोज पे से, और उसमें वो जो चिली फ्लेक्स और वो होता है ऑर्गेनो जैसा, वो है। अभी मैंने उसमें डाला है बटर, इसमें मैंने बटर डाला है और वो डाला है, और थोड़ा सा मैं डालूंगी सिर्फ उसमें चिली फ्लेक्स। इससे ना हमारी जो पिज्ज़ा का टेस्ट है ना, वो इसी से दोगुना होता है। और इसमें मैं अभी डालूंगी 2 क्लॉव्स डालूंगी मैं लहसुन की, ग्राइंड करके एकदम पीस के बारीक। तो मैंने डाल दिया है इसमें 2-3 कली लहसुन की पीस के बारीक बारीक, और इसको भी आधे घंटे तक रख के रहना है, तब तक ये भी थोड़ा मैरिनेट हो जाएगा, इसमें लहसुन की खुशबू अच्छे से आ जाएगी और हमारे पिज़्ज़ा का जो स्वाद है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये देखिए आप, ये एकदम तैयार है। और अभी आप देखिए दैट इज, तो मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ ये पिज्जा को। और आपको क्या करना है, आपको बीच में से पतला रखना है एज यूजुअल, जैसा हमारा पिज्जा साइड में से बहुत मोटा होता है, हम लोगों को इसको साइड में से मोटा रखना है। और फिर ऐसा ये लेना है और इसमें आप कंजूसी मत करना प्लीज़, इसको इसमें भर भर के लगाना, क्योंकि इसी से पिज़्ज़ा का स्वाद आने वाला है इसमें ना। इसको मैं अच्छे से ग्रीस करूँगी और इसमें नीचे थोड़ा ये भी डाल दूँगी, और ये मैंने कर दिया इसमें। और अब इसके बाद मैं रखूँगी मेरा ये रोटी इसमें, और इसमें ये साइड से मैं इसको बीच में से मैं इसको प्रेस करूंगी। सो सबसे पहले मैं डालूंगी इस पे मेरी पिज्जा सॉस को स्प्रेड करूंगी अच्छे से, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें मोज़रेला चीज, आप इसमें प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं, चीज इस चीज पर जो स्वाद इसका आता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप वो वाला भी डाल सकते हो, बट लेकिन जो स्वाद इसका आता है वो लाजवाब होता है। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो। फिर इस पे डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑर्गेनो, इसको सेंटर में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा खुशबू आता है। फिर और चिली फ्लेक्स, और फिर से मैं डालूंगी इस पे चीज हल्का हल्का सा, वो ज्यादा ज्यादा नहीं डालना मुझे ऊपर, मैं हल्का हल्का सा डालूंगी। और फिर उसके बाद मैं रखूंगी इस पे ऑलिव्स, इट्स ऑप्शनल, आपको पसंद है तो आप रख लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स, फिर ऑरिगैनो। अब ये रेडी है और मैं इसको जा रही हूँ ओवन में रखने। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर दिया था और मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ाई में भी हम लोग कैसे बना सकते हैं, पर पहले मैं आपको ओवन वाला बना के दिखा देती हूँ। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है तो आप थोड़ा संभल के रखना, और इसको मुझे रखना है
तो मैंने अभी इसको पिज़्ज़ा सेटिंग पे रखा है, 200 टेम्परेचर मैंने इसका रखा है और 20 मिनट के लिए मैंने अभी रखा है। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग थोड़ा और मिनट बढ़ा लेंगे। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई में, और मैंने कढ़ाई में लिया है नमक। ये नमक ऐसा, डरिएगा नहीं, ये नमक ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये नमक मैंने बहुत बार यूज़ किया है। उसमें मैंने एक कटोरी रखी है, आप कोई स्टैंड भी रख सकते हैं, बाकी कोई ऐसा बर्तन रख सकते हैं जो ख़राब भी हो जाए आपको परेशानी नहीं हो। उसके बाद मैं इसको करूँगी लो फ्लेम पे। इसको प्री हीट करने के लिए हमें रखना है और इस पर ढक दूँगी मैं ऐसे। सो मैंने ये रेडी किया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया नीचे और उसको मैंने अच्छे से कर दिया ग्रीस, और उसके बाद मैंने रख दिया ये अपना पिज़्ज़ा इसमें अच्छे से, और उसको फिर ऐसे ही हम लोगों को बनाना है इस पे पिज़्ज़ा सॉस डाल के, और वो सब गार्निश हम लोगों को ऐसे ही करना है वो। सो आप देख सकते हो ये भी एकदम रेडी है। और हमें क्या करना है इसमें ना, साइड साइड में, ताकि ये जले नहीं साइड में से, ऐसे हम लोगों को ये गार्लिक जो बटर हम लोगों ने बनाया था वो इसमें लगाना है चारों तरफ। और जो ओवन में रखा है आप उसमें भी लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा होता है, ये साइड में से अच्छे से पक जाता है। ये भी प्री हीट हो गई है, और प्लीज इसमें आप भी केयरफुल रहिएगा। और उसके बाद मैं इसको रख देती हूँ, देखना ये गिरे नहीं और हिले डुले नहीं ज़्यादा। और उसके बाद मैं कर देती हूँ उसको कवर। इसको एकदम सिम गैस पे हम लोगों को पकाना है, अदरवाइज ये नीचे से जल जाएगा। कौन कहता है कि कढ़ाई में पिज़्ज़ा नहीं बनता, देखिए कितना अच्छा बनने वाला है। अभी आधा बना है, अभी इसको मैं और ढक देती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं फिर इसको देखूंगी कि कैसा बना है। ये एकदम बन गया है, बहुत गर्म है। सो अभी मैं ले लेती हूँ इसको बाहर। तो अभी मैं इसको कर रही हूँ कट। वाओ, देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है, खाने में भी यम्मी लगेगा। Can see my pizza. Wow, it's so yummy. So, इसको भी देख लेते एक बारी, इसका क्या हाल चाल है। Oh, wow. ये भी बहुत अच्छा बना है। मैं कर देती हूँ अभी गैस बंद, और ट्रस्ट मी आप कढ़ाई में भी ऐसे ही बना के देखना तो बहुत यम्मी बनता है, ओवन जैसे ही एकदम बनता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए एकदम रेडी है, और मैंने इसको कट भी कर लिया। ये ज़्यादा छोटा था तो मैंने इसके 4 ही पीसेस किए हैं। ये कढ़ाई वाला है जो मैंने कढ़ाई में बनाया, और वो पहले ओवन वाला था। सो आप प्लीज़ दोनों तरह से आप ट्राई कर सकते हो, बहुत यम्मी लगता है, बहुत फ्लफी और सॉफ्ट होता है ये। सो फाइनली हम लोगों ने पिज़्ज़ा बना लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो रेसिपी, और आप लोग भी अपने घर पर बना के प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये सब बना के आप खाते रहिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय।